हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सब कैसे हैं? होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। क्या आपके ट्विन फ्लेम सीधे हैं? बहुत आपकी सारी बात मानते हैं? रियली कैसे हो सकता है? इसी पे चलिए बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ वाइब्रेशन के इस न्यू एपिसोड में। मैं होंगे स्टोक। दोस्तों, हायर वाइब्रेशन मीन्स रीयूनियन, हम सब जानते हैं, और कैसे इन कार्मिक एनर्जीज को रिलीज करते हैं। और एक्चुअली एक लेडी का क्वेश्चन आया था, एक लड़की का, कि कैसे सर ये पता चलेगा कि हमारे में कार्मिक एनर्जीज हैं, उन्हें रिलीज करना है। उन्हें रिलीज करके रीयूनियन होता है, हम सब जानते हैं, लेकिन कैसे अपनी वाइब्रेशंस को राइज कर सकते हैं। और इस बीच एक दूसरा प्रश्न भी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कि सर मेरे ट्विन फ्लेम तो बहुत सीधे, मेरी सारी बात मानते हैं, आप लोग जैसे बताते हैं इतना अप डाउन होता है इस रिलेशनशिप में, क्या पॉसिबल है कि वो मेरे ट्विन फ्लेम ना हो? ऐसा भी हो सकता है दोस्तों? कब ऐसा होता है, चलिए डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, ये खूबसूरत सी जर्नी आपको बेहतर इंसान बनाती है, आपको सेल्फ लव करना सिखाती है। अगर आपका सेंटर पॉइंट आप खुद नहीं हैं, मतलब आप का सेंटर पॉइंट आपका बाहर ढूंढते हैं, लव रिलेशनशिप को बहुत पहले बाहर खोजते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को नहीं पाया हुआ है, अपना रियलाइजेशन नहीं किया है। इसका मतलब है आपकी अवेकनिंग नहीं हुई है। अवेकनिंग होने के बाद आप रियलाइजेशन करते हैं कि आप इस जर्नी में हैं। ऐसे कंटेंट, ऐसे वीडियोस, ऐसे साइंस, ऐसे नंबर, सिंक्रोनिसिटी को दिखना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि समवन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उनके लाइफ में आपके आते ही, आप लोग साथ में मिलते ही, आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा रहता है, आप जो सोचते हैं वो कर पाते हैं, मैरिड लाइफ की अभी बहुत अच्छी रहेगी, और हर एक चीज़ में आपकी ग्रोथ होगी। इवन आप हायर वाइब्रेशन पे भी जा पाएंगे। इसी तरीके से जब आप खुद किसी भी तरीके से हायर वाइब्रेशन पे जाते हैं, तब आपकी मैनिफेस्टेशन होता है, रीयूनियन होता है, आपके लोअर फ्रिक्वेंसी जब भी क्रिएट होगी। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस आते रहते हैं, मैंने मेडिटेशन भी आप लोगों को कराया, इसमें काफ़ी सारे लोग आए, पर्सन सेशन के दौरान भी काफ़ी सारे लोग ये डिस्कस करते हैं, सर कार्मिक एनर्जीज रिलीज हुई, आपने जो ध्यान कराया, बहुत पहले जो सप्रेशन चल रहा था उसमें रीयूनियन हो गया। कार्मिक एनर्जीज देखो, देखना बहुत सरल है दोस्तों। आप अपने हॉरोस्कोप में अगर देख लेते हैं चार्ट में, तो डेफिनेटली उसमें कोई दोष बन रहा हो, वो भी एक कार्मिक एनर्जीज है। वो एक इवेंट है जो आपके पास्ट प्रारब्ध में, पास्ट लाइफ डीड्स में आपने किया है या सोचा, उस तरह के डाउन फ्रिक्वेंसी वाले कर्मा इस बर्थ में वो इवेंट बन के सामने आएंगे, या आपके घटना बन के सामने आएगा, उसकी वजह से सफरिंग करेंगे, एनी काइंड ऑफ सफरिंग आप करेंगे, और वो आपको किसी भी तरीके से दिख सकता है। इमोशनल ट्रामा, मेंटल ट्रामा, करियर में स्ट्रगल, ऑल द थिंग्स इज कार्मिक एनर्जीज। जब इन एनर्जीज को आप रिलीज करेंगे, तो आप महसूस करेंगे आप धीरे धीरे अंदर से खाली हो रहे हैं, आप रियलाइजेशन कर रहे हैं, एक अच्छा सा हायर वाइब्रेशन आप फील कर रहे हैं, नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं, और आपकी लाइफ में रिलेशनशिप और प्यार आ रहा है, आपका करियर ग्राफ भी बहुत ऊपर जा रहा है, और मैनिफेस्टेशन कर पा रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली हायर वाइब्रेशन जब आपकी होगी, तो आप मैनिफेस्टेशन कर पाएंगे, ये बहुत अच्छा साइन है कि आप समझ लीजिए कि आप जो सोच रहे हो वो आपके साथ होने लगा, डैट मीन्स कि आप सही ट्रैक पे हैं, आपका यूनिवर्स आपको गाइड करने लगेगा कि आप सही ट्रैक पे हैं। वन वन दिखता है, बहुत सारे नंबर्स भी दिखता है हमको, और हमको ये बताता है यूनिवर्स, यू आर अ राइट ट्रैक, आप राइट ट्रैक पे हैं। और दूसरा प्रश्न ले लेते हैं जो कि इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आप लोग जानना भी चाहते हैं, ट्विन फ्लेम क्या सीधा हो सकते हैं? दोस्तों, क्यों ये क्वेश्चन क्यों मैंने लिया है, क्योंकि इस बात को आप समझ लीजिए, बिकॉज ये जर्नी अप्स डाउन की इसलिए कही जाती है, क्योंकि ऐसा कोई पर्सन नहीं जो परफेक्ट हो। इवन मैं भी नहीं, इस जर्नी में था, तो काफ़ी कुछ लर्निंग किया, अप डाउन हुआ मेरे भी लाइफ में। आप में से किसी ने मेरी जर्नी के बारे में जानना चाहा है, तो मैं जल्दी शेयर करूंगा, बट ये जर्नी जो एक्सपीरियंस है वो ओनली टोटल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। आपके लाइफ में अगर ऐसे इवेंट हुए हैं, तो आप रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप इस जर्नी में हैं, तो आपका पार्टनर आपको मिरर ज़रूर करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका पार्टनर आपको मिरर नहीं करे। अगर ब्लॉकेजेस हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ब्लॉकेजेस हैं, कार्मिक एनर्जीज हैं। तो अगर सीधे वाला टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, आप अपनी इमोशंस को उनके सामने नहीं एक्सप्रेस कर सकते, आप जो सोच रहे हैं वो नहीं एक्सप्रेस कर सकते, अपने आइडियाज़, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी हर एक बात आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते एज इट इज़,
इसका मतलब है कि वो ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो आपका पार्टनर कर रहा हो या आप खुद ही कर रहे हो। एनी काइंड ऑफ सोशल फेयर, एनी काइंड ऑफ मेंटल ट्रामा, या आपको कोई फेयर है कि वो चले जाएंगे, फेयर ऑफ रिलेशनशिप, फेयर ऑफ सेपरेशन, ये हमको काफ़ी ज़्यादा डाउन रह सकता है। हम इसी जगह पे स्टक रह सकते हैं। हमको लगता है कि हम रिलेशनशिप बेहतर रखें, इसी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें दूसरे वाले को, सामने वाले पर्सन को, फ्रेंड्स को नहीं बोलते। इसी वजह से आपका रिलेशनशिप में उतना ग्रोथ नहीं हो पाता, क्योंकि आप यहाँ पे स्टक हैं उसी रिलेशनशिप में। आपको रिस्क लेना होगा, आपको मिरर करना होगा ट्विन फ्लेम की, उसकी रियलिटी रियलाइजेशन कराना होगा। इवन आपको अगर इसके लिए इनर वर्क भी करना पड़ रहा है, अपने आप पे काम भी करना पड़ रहा है, मेडिटेशन करना पड़ रहा है, तो करिए दोस्तों, हॉनेस्टी के साथ करिए, पूरी तरीके से। आप उस इनर वर्क भी कर रहा है तो ऑनेस्टी के साथ करिए, ओके? ऑनेस्टी के साथ करेंगे तो आपकी लाइफ में भी ग्रोथ होगा, और आप के बोलने मात्र से ही सामने वाला पार्टनर, आपका ट्विन फ्लेम, उस चीज़ को रियलाइजेशन करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, अपने आप को जानेगा। देन आपका जो रियूनियन होगा वो अलग लेवल पे होगा। उससे नॉट इवन आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, क्योंकि आपके कॉर्ड कनेक्टेड रहता है बहुत सारे लोगों से, कार्मिक लोगों से, वो कॉर्ड्स की एनर्जी लो हो जाएगी, आपका ग्रोथ होगा, आपका रिलेशनशिप में ग्रोथ होगा, इमोशनली, मेंटली, इवन करियर में भी ग्रोथ मिलेगा। सो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, उम्मीद हो पसंद आई हो, अपने दोस्त साथियों को जरूर शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि हमारे लेटेस्ट अपडेट और मेडिटेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं ना स्टूडियो में, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।